पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हरदा में 19 दिवसीय कमल खेल युवा महोत्सव का शुभारंभ देश के जाने माने ओलंपिक मेडल विजेता पद्मश्री योगेश्वर दत्त के मुख आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल तथा सांसद डीडी उइके भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा में 15 करोड़ से इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा जिसका शिलान्यास 12 जनवरी को होगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हरदा में 19 दिवसीय कमल युवा खेल महोत्सव शुरू हुआ। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए बताया कि हरदा जिला मुख्यालय पर 15 करोड़ रुपए लागत से इंडोर स्टेडियम स्वीकृत हो गया है। इस स्टेडियम का भूमि पूजन आगामी 12 जनवरी को कमल युवा खेल महोत्सव के समापन अवसर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इंडोर स्टेडियम आगामी एक वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा और अगले वर्ष के कमल युवा खेल महोत्सव में इस इंडोर स्टेडियम में इंडोर गेम भी संपन्न होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और हम सब के हृदय सम्राट करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है। पिछले साल हमने उनकी जयंती से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया और भारत माता को विश्वगुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो सपना देखा था वो सपना आज अटल जी की जयंती से विवेकानंद जी की जयंती तक 19 दिन तक हरदा में कमल युवा खेल महोत्सव। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि एक खिलाड़ी ही है जो अन्य देश में जाकर भी अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से कहा कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए बड़े स्तर की मेहनत करें, उनके सपने जरूर साकार होंगे। आज अटल जी के जन्मोत्सव पे इसका शुभारंभ किया और जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है आजादी के अमृत महोत्सव में कि हर बच्चा खेले और फिट रहे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए बताया कि कमल युवा खेल महोत्सव में 19 तरह के खेल होंगे। इस खेल महोत्सव से हरदा जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्षेत्रीय सांसद डीडी उइके ने इस अवसर पर उपस्थित सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल महोत्सव से हरदा जिले की खेल प्रतिभाओं को पहचान मिलेगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।